नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर पंचायत के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि गांव की सरकार, इसी तरह की प्रारूप जो है शहरी क्षेत्र में भी है, जिसे हम नगर पंचायत के रूप में जानते हैं। भारत के संविधान के 74वें संशोधन में शहरी स्थानीय शासन को 3 अलग अलग स्तर में बांटा गया, जिसकी सबसे छोटी इकाई है नगर पंचायत, इसकी सबसे बड़ी इकाई है नगर निगम, इसके बाद नगर पालिका या परिषद, और उसके बाद आता है नगर पंचायत। आज हम इसी नगर पंचायत के बारे में जानेंगे, बात करेंगे। आपको बता दें कि भारत के संविधान में स्थानीय निकाय चुनाव की मान्यता दी गई है, लेकिन बीच में ठीक से कार्य नहीं करने के कारण केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन करना पड़ा। संशोधन से पहले नगर पालिका को ही महत्व दिया गया था, यानी कि उनके पास ही कार्य करने की तमाम तरह की जिम्मेवारियां थी, लेकिन बाद में इसमें विस्तार की जरूरत महसूस की गई और संविधान के 74वें संशोधन में इसको विस्तार दिया गया। नगर पंचायत क्या है? बता दें कि यह शहरी स्थानीय निकाय की सबसे छोटी इकाई है। नगर पालिका व्यवस्था के अनुसार नगर पंचायत वह क्षेत्र है, या कहें कि वह इलाका है, जो कि ग्राम से शहर की ओर विकसित हो रहा है या फिर विकसित होने की ओर अग्रसर है। ऐसे में नगर पंचायत के रूप में निर्धारित किया गया है। नगर पंचायत सरकार की एक अस्थायी इकाई के रूप में काम करती है। यह सभी गाँव में समान रूप से कार्य करती है, इसीलिए इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है। इसको अगर हम आसान भाषा में कहें तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की एक मजबूत कड़ी के रूप में इसे जाना जाता है। किसी भी क्षेत्र में नगर पंचायत की स्थापना के लिए वहां की आबादी कम से कम 30,000 और अधिकतम 1,00,000 होनी चाहिए। नगर पंचायत का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है कि उसका कब निर्माण करे और कब जो है उसे कैसे विघटित करे, इसका पूरा जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार के पास अधिकृत होता है। नगर पंचायत के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य, ये 3 अलग अलग सदस्य इसके होते हैं। एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात निर्वाचित सदस्य की, जो चुनाव में जीत कर आते हैं वो निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं। ये निर्वाचित सदस्य, जैसे कि मान लिया जाए इसमें नगर पंचायत के अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है वो एक तरह से कह लें कि 24 और न्यूनतम जो है वो 10, यानी कि 10 से 24 के बीच में जो है अधिकतम और न्यूनतम का आंकड़ा है। इस संख्या का निर्धारण भी राज्य सरकार की तरफ से ही किया जाता है। दूसरा है मनोनीत सदस्य। राज्य सरकार नगर पंचायत में कुछ लोगों को मनोनीत कर सकता है जो कि नगर प्रशासन के बारे में जानकारी रखते हों, उन्हें मनोनीत करती है। इसकी संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 3 हो सकती है। मनोनीत सदस्य को नगर पंचायत की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होता है। किसी मामले पे अगर बहस चल रही हो कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसे में जो मनोनीत सदस्य हैं वो उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। अब बात पदेन सदस्य की। किसी भी नगर पंचायत में पदेन सदस्य वह होता है जो कि न तो निर्वाचित होता है और न ही मनोनीत होता है। वह उस क्षेत्र का होता है, जैसे कि उस इलाके का विधायक, सांसद या फिर दोनों नगर पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अगर राज्यसभा का सदस्य या फिर नगर पंचायत के मतदाता है तो, या फिर बिहार विधान परिषद का सदस्य अगर नगर पंचायत का मतदाता है तो, ये भी जो दोनों हैं वो पदेन सदस्य कहलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नगर पंचायत सदस्य बनने की क्या है योग्यता, यानी कि अगर आप नगर पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किस किस तरह की अर्हता आपको जो है रखनी है। वह भारत सरकार का नागरिक होना चाहिए, उस नगर पंचायत का मतदाता होना चाहिए, उसकी आयु जो है 21 साल होनी चाहिए, वह दिवालिया ना हो यानी कि मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इसके कार्य की, कौन कौन सा कार्य अगर नगर पंचायत में कोई व्यक्ति जीतता है तो उसको किस किस तरह के कार्य की जिम्मेवारियाँ मिलती है। उसे अपने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों की सफाई की व्यवस्था करनी होगी, अपने नगर पंचायत में पेयजल और रोशनी की व्यवस्था करनी होगी। ये अमूमन जो है राज्य सरकार जो है अपने पंचायतों के विकास को लेकर इस तरह की योजनाएं लाती रही है। अपने नगर पंचायत में सार्वजनिक स्थल एवं नलियों का निर्माण करना, ये भी बहुत जरूरी है। अपने नगर पंचायत में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान रखना, ये नगर पंचायत के तहत आता है। अपने नगर पंचायत में जन्म मृत्यु का पंजीकरण करवाना, कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ, अगर किन्हीं की मृत्यु हुई है तो उसका प्रमाण पत्र, ये भी जो है नगर पंचायत के हिस्से है। अपने नगर पंचायत में प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था कैसी है इसका निरीक्षण करना, देखभाल करना और आगे जो है अवगत करवाना। अपने नगर पंचायत में चिकित्सालयों का व्यवस्था कैसी है, हॉस्पिटलिटी जो है वो किस तरह की है, अस्पतालों की क्या स्थिति है, डॉक्टर आते हैं पेशेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट है, इन तमाम तरह की जिम्मेवारियाँ जो है नगर पंचायत के पास है। अपने
अपने नगर पंचायत में उद्यान और खेल मैदानों की व्यवस्था करना ये भी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से कह लेंगे शारीरिक विकास बहुत ज़रूरी है, मानसिक विकास तो है ही, साथ साथ शारीरिक विकास की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शासन के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसका पालन करना नगर पंचायत की एक अहम जिम्मेवारी है, एक तरह से कह लेंगे उनका कार्य भी है। तो यह है नगर पंचायत जिसके बारे में हमने जाना, और एक तरह से कह लेंगे नगर निगम जो पूरा है उसकी सबसे छोटी कड़ी नगर पंचायत जिसके बारे में आज हमने जाना। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।